अरे हर्ष बेटा खड़े हो जाओ। किधर? ये बताओ होमवर्क क्यों नहीं किए? सर जी लाइट नहीं थी। अरे माचिस जला लेनी थी। सर जी माचिस ही नहीं था। अब ये माचिस क्यों नहीं था? पूजा घर में रखा हुआ था। अरे पूजा घर में से ले लेनी थी। अरे सर जी नहाए नहीं थे। अब ये नहाए क्यों नहीं थे? अरे सर जी मोटर ही नहीं चल रहा था। अरे मोटर क्यों नहीं चल रहा था? अरे सर जी आपसे कितनी बार कहे कि लाइट ही नहीं आई थी। बंद लगाया। अगर एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ अटल तो तुम क्या चुनोगे? सर मैं पैसा ही लूंगा। गलत। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अटल चुनता। आप सही बोले सर, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही लेता है। बंद लगाया। कुंदी बेटा खड़े हो जाओ। तुम सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया नाम बताओ। सबसे सजी हाथी। तेरे पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिता सर दादू ग्राइंड के शूटर है। सवाल सवाल लिखो बच्चे हाथी लिखो लिखो लिखो। हाँ सौरभ बेटा खड़े हो जाओ। तुम हमें किसी साइंटिस्ट का नाम बताओ। सर आलिया भट्ट। फोन नंबर ये तुम्हें सिखाया? अरे सजी इसके कहने का मतलब है आर्यभट्ट। अच्छा 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 ये बताओ बेटा कि 1869 में क्या हुआ था? सर गांधी जी का जन्म हुआ था। अच्छा सभा सभा ये बताओ 1872 में क्या हुआ था? सर गांधी जी 3 साल के हो गए थे। दो मिनट। देखो बच्चे जो अपनी बात दूसरों को समझा ना सके वो सबसे बड़ा गधा होता है। क्या बोले सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो बच्चे मैं तुम लोग को एक बात बता दूं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। अच्छा बेटा खड़े हो जाओ बताओ मैंने अभी क्या कहा। सर आप बोले कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। बहन नला है। हाँ अरे बेटा खड़े हो जाओ। ये बताए जो कल तुम्हें लेसन याद करने के दिया था वो याद करके आए हो? नहीं सर नहीं कर पाया। अरे भाई क्यों नहीं कर पाए? लाइट चली गई थी। अरे फिर लाइट आई नहीं? सर लाइट आई जैसे हम पढ़े बेटा फिर चली गई। तो उसके बाद तुम्हारा लाइट आई नहीं? सर लाइट आई ईस्टर से मैंने पहले बेटा की लाइट दोबारा ना चली जाए। हाँ बोलिए बेटा। जी गुरु जी तुम हमें ये बताओ कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या फर्क होता है? इम्पोर्ट का मतलब गुरुजी सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब है सानिया मिर्जा। बहन मिलाया ये तुमको सिखाया? हाजिर बेटा खड़े। तुम हमें कोई ऐसी कहानी बताओ जिससे कुछ शिक्षा मिलती हो। जब मैंने जब उसको फोन किया तो उसने नहीं फोन उठाया और उसने जब मुझको फोन किया तब मैंने नहीं उठाया। इस कहानी से बच्चों हमें एक शिक्षा मिलती है जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा एक आदमी कि अगर तुम्हें मरने के बाद यमराज पूछे कि तुम स्वर्ग में जाना पसंद करोगे या नर्क में तो तुम कहाँ जाओगे? मैं यमराज जी से यही कहूँगा कि पृथ्वी से मोबाइल और चार्जर मंगवा दे चाहे स्वर्ग में ले जाना पड़े वहाँ ले जाए या नर्क में। जय बच्चो ये बताओ गौरव बेटा खड़े हो जाओ। यस सर। तुम हमें ये बताओ ए के बाद क्या आता है? ए के बाद गुरु जी हाँ ए शर्मा गई का। मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट। मेरी इंग्लिश के बाद में पहले हाथ लगा दिखा बोलते हो ठीक है जाओ जाओ। देखो बच्चो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त है तो आज तो पढ़ाई वढ़ाई होगी नहीं तो सभी को अभी लड्डू बांटे जाएंगे और सभी लोग अपने घर जाएंगे। ए बल्लू पीछे क्या देख रहा था? दोनों नौटंकी चल रही है क्या पीछे? जी नहीं सर। तो आगे देख। तो आगे ही कौन सी सिनेमा की शूटिंग चल रही है कि आगे देखे? अरे कौन बोला है जरा चुप्पे से खड़े हो जाए। सर यही बोले यही बोले खड़े हो। जी सर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हारी आजादी दूंगा। किसने कहा था? मैंने नहीं कहा था। तो किसने कहा? सर इसके पापा नहीं कहे होंगे। इसके पापा ने सुना था कल इसके मौसी की तबीयत खराब है दो बोतल खून की जरूरत है। नलायक ये तुम लोग सिखाया? उठो उठो नलायक तुम लोग सिखाया? उठो उठो नलायक क्या सीख रहा है तुम लोग को वाले क्या सीखे तुम लोग? तुम लोग के बच्चे में तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। मेरा सर चकरा रहा है।